राधे राधे, सब्सक्राइब कीजिए सुनीता कुकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे, आज हम गर्मियों की कान्हा जी की जैकेट बनाएंगे। ये जैकेट हम दो शेड की बनाएंगे, जो कि हम दोनों तरफ से पहनाने वाली बनाएंगे, यानी कि आप इसको सीधी उल्टी दोनों तरफ से पहना सकते हैं। ये दो कलर की बना रहे हैं, जिससे कि आप जो भी मन चाह कलर आप कान्हा जी को पहना सके। ये बिल्कुल हमने मलमल का कॉटन का कपड़ा लिया है, क्योंकि हमें ये दोनों तरफ से पहनानी है, तो इसलिए हमने दोनों जो कपड़ा है वो हमने कॉटन का लिया, क्योंकि गर्मियों की ड्रेस है। अगर हम सिल्क का लेंगे तो एक ही तरफ से हम इसको पहना सकते हैं। अगर हम गर्मियों का ठंड का बनाते हैं, तो हम दो शेड गर्म कपड़े के भी ले सकते हैं। तो ये बहुत आसान है बनाने के लिए। और इसी कलर का हम धागा ले सकते हैं, या कोई भी एक धागे से भी हम इसको बना सकते हैं। इंच टेप चाहिए हमें, और एक हम पेपर ले लेंगे, जिस पर हम पहले आपको ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आप कपड़े पे कीजिएगा। तो ये हम 6 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं। बहुत छोटे कान्हा जी के लिए बनानी हो तो उसी हिसाब से चोली का नाप लेंगे आप। जितने कान्हा जी की चोली होती है, जो फ्रॉक होता है उनका, उसके हिसाब से आपको ये ड्रेस बनानी है। जैसे हमारे पास 6 नंबर कान्हा जी का जो है ड्रेस का नाप पहले से है, मैं पहले कई बार ड्रेस बना चुकी हूँ, तो उनकी 3x3 की जो है ऊपर की जो चोली होती है, तो उसी के नाप से हम ये ड्रेस जो जैकेट हम बनाएंगे। पीस लिए हमने, इसकी जो चौड़ाई है आप देखिए 4 इंच के करीब है, और इसकी लंबाई जो है 3.5 इंच के करीब है। तो ये हमने इस तरीके से फोल्ड ले लिया है। ये पहले हम पीछे का हिस्सा काटेंगे, तो इसमें हमने सिलाई जो है ले ली है, यानी कि 1.5 इंच की बजाय हमने ये, जैसे 3 इंच की हमारी कान्हा जी की चोली की जो है चौड़ाई है, तो ये हमने 2 इंच ले लिया, आधा इंच हमने इसमें पहले से सिलाई का ले लिया है। और ये 3 इंच की लंबी हमारे पास जैकेट है, तो ये हमने 3.5 इंच पहले से ही ले लिया है। अगर आपको लंबी जैकेट और बनानी तो आप ज़्यादा ले सकते हो। तो ये हमने 3.5 ले लिया, यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन ले लिया, और यहाँ पर हमने 1/2 इंच का मार्जिन ले लिया, जो कि अगर हम इस तरीके से देखें तो पूरा 1 इंच का होता है, यानी कि फोल्ड करके हमने 1/2 का लिया है, लंबाई में 1/2 ही लिया है। एक पीस हमने इस तरीके से काट लिया है। निशान लगा लेते हैं अपनी चोली का, जैकेट का, जो भी हमारे जैसे हमने लिया है ये, तो ये हमारा देखिए 2 इंच के करीब है। तो यहाँ से हम जो है पहले 1/2 इंच की दूरी पर एक निशान लगा लेंगे। तो ये हम यहाँ पर एक निशान लगा लेते हैं 1/2 इंच की दूरी पे। उसके बाद इसी इंच यहाँ से देखिए, इसी निशान से हमने 1 इंच की दूरी पे निशान लगाया। सिलाई हमने इसमें ले रखी है, तो ये जो 1/2 इंच बचा है हमारे, यहाँ पर भी हम एक सेंटर में निशान, ये हमारा सिलाई का निशान, यानी कि इतना। अब ऊपर से नीचे तक जो है हम यहाँ से ये देखिए 3.5 इंच है, तो ऊपर से हम 1.5 इंच की दूरी पर एक निशान लगा लेंगे ये, और यहां से हमारा पूरा सिलाई का ही है। तो ये जो हमने निशान लगाया सिलाई का, यहां से हम इस ये देखिए ये निशान है, यहां से हम हल्का हल्का सा ऐसे कंधे की शेप दे देंगे, क्योंकि ये हमारी सिलाई है, यानी कि टोटल हमारा यहां से 1 इंच से भी कम आएगा, यहां से भी हमारा सिलाई में दबेगा, यहां से हमारा हमने सिलाई ले ली है, तो ये कंधा हमारा और छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा नेक है। नेक बिल्कुल हमें 1/2 इंच की दूरी पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने ऐसे निशान लगा लिया, यानी कि 1/2, ये देखिए 1 सेंटी, ये देखिए ऊपर से देखिए 1 सेंटी आपको दिख रहा होगा। इसको बस हमने इतना ही कटिंग करना है, साइड से हमें कोई कटिंग नहीं करनी है, यानी कि कंधे हमने ये बिल्कुल हल्की सी, क्योंकि हमें हमारी इसके अंदर सिलाई भी है, तो 1.5 इंच का हमने ये मुड्ढा काट दिया, और 1/2 सेंटी का ये हमने नेक की कटिंग कर दी। तो ये हमारा इस तरीके से बन गया है। तो ऐसे हमें 2 शेड के जो हमने कलर लिया है, येलो और अपना ये पिंक, इन दोनों के इसी तरीके से पीस काट लेंगे। पीस इस तरीके से रख लिए एक साथ, और यहाँ पर हम इस तरीके से इस पीस को रख लेंगे, और यहाँ पर निशान लगाकर सेम 2 पीस ऐसे हम कटिंग कर लेंगे। चाहे तो आप इस तरीके से फोल्ड कर ही इस पीस को फोल्ड कर ये देखिए हमने ऐसे रख लिया है नीचे से बिल्कुल इस तरीके से, और यहाँ से हम निशान लगा के इसको कटिंग कर लेंगे।
देखिए बिल्कुल हमने निशान से यहाँ कटिंग कर ली, तो ये दो पीस हमारे कट गए हैं, हमारे कट गए हैं। अब हमें आगे के दो पीस काटने हैं, तो इसी को हम फोल्ड को इसमें सिर्फ हमें वी शेप देना है और यहाँ से हम मार्जिन रखेंगे, बस इतना करेंगे, क्योंकि ये पीस हमारे थोड़े से और चौड़े बनेंगे। तो इसको हम इस तरीके से ऊपर से जो है 1 इंच की दूरी पर हम एक निशान लगा लेंगे, ये हमारा नेक होगा, ये देखिए, इसको हम इस तरीके से वी शेप में कटिंग कर लेंगे, ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से। तो ये आगे का हो गया हमारा, यहाँ से हमारा फोल्ड नहीं होगा, हमारे ऐसे आधे आधे पीस कटेंगे, तो इसको भी हम आधा ही फोल्ड कर ही रखा है लेकिन हम काटेंगे नहीं इसको। और ये हमारा आगे का हिस्सा जहाँ से हम थोड़ी सी गोलाई करेंगे, इस तरीके से हल्की सी हम शेप दे देंगे, क्योंकि जैकेट आगे से गोल होती है। तो ये हमारा पीस बन गया आगे का। ऐसे ऐसे हमें दो येल्लो काटने हैं और दो ही हमें पिंक काटने हैं। देखिए हमने ये जो पीस था इसको हमने ऐसे चार तह हमारी है, दो दो पीस हमारे इस तरीके से, ये देखिए दो पीस हमारे पिंक है, दो येलो है, और ये निशान हमने लगा लिया है। इसी पीस को हमने ऐसे रखा है, ये देखिए बिल्कुल किनारे पे रख के यहाँ से हमने कंधे पे ये निशान लगा लिया। ये कपड़ा हमारा फालतू है आधा इंच के करीब, ये हमारा वी शेप में गला, ये आधा इंच हमने इसलिए यहाँ से फालतू लिया है क्योंकि अगर हमारा यहाँ सिलाई होगी तो ये दोनों पीसेस छोटे हो जाएंगे क्योंकि हमारे फ्रंट ओपन है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आगे वाले पीस में यहाँ पर हमें मार्जिन रखना है आधा इंच का। और इसी तरीके से हम ये देखिए अभी हमने निशान लगा दिया है ये, लेकिन हमें इस निशान से काटना नहीं है, सिर्फ अभी हमने ये देखिए पेपर पे जैसे अपने निशान लगा के इस पे ड्रॉ कर लिया है, तो ये आधा इंच हमारा फालतू है, तो हम इसको इसी तरीके से काटेंगे। और ये जो वी शेप हमारा नीचे की तरफ आ जाएगा थोड़ा, और ये आगे, यानी कि यहाँ से हमारी सिलाई होगी तो यहाँ से हम जो है वी शेप और ये गोलाई आगे तक बढ़ा देंगे। तो हम यहाँ से जो है गोलाई इस तरीके से, कोना जो हम इस तरीके से हल्की सी गोलाई दे देंगे जो हमने एक्स्ट्रा काटा है, इसलिए ये देखिए इस तरीके से काटते हुए, और ये वी शेप बिल्कुल लाइन से काटना हमने, ये देखिए अंदर की तरफ आपको लाइन दिख रही होगी, और यहाँ से भी हमें बस लाइन से थोड़ा सा हल्का सा बिल्कुल ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ से भी हमें लाइन के बिल्कुल बाहर है हमने क्योंकि सिलाई ली हुई है पहले से। तो ये हमने देखिए ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा इधर आ गया, यहाँ से हमने गोलाई ले ली है। इस तरीके से हमने चार पीस काट लिए हैं, अब हम करेंगे सिलाई। पीछे के हैं इसको अभी हम साइड में रखेंगे, पहले हम सिलेंगे इनको। तो ये देखिए हमारे वी शेप में इस तरीके से आएंगे दोनों पीस, और ये दो पीस हमारे ये हो गए। तो इसके ऊपर हम ऐसे येलो रख लेंगे, ये देखिए इस तरीके से, और इसके ऊपर भी हम इस तरीके से येलो रख लेंगे, यानी कि ये देखिए। अब हमें करनी है सिलाई। सिलाई हमें कहाँ से करनी है, कंधे नहीं सिलने हैं, बाजू पे यहाँ पर हमें एक पैर की बखिया मारनी है, और यहाँ से हम एक पैर की बखिया मारते हुए इस तरीके से गोलाई करते हुए इधर घूम जाएंगे, यानी कि इधर सिलाई नहीं करनी है और इधर सिलाई नहीं करनी है। ये देखिए हमने क्रॉस मार दिया है, यानी कि यहाँ और यहाँ सिलाई नहीं करनी, कंधे पे करनी है, और यहाँ से घूमकर इस तरीके से सिलाई करनी है। इन दोनों पीस को इसी तरीके से रखने, गोलाई आगे की तरफ होनी चाहिए, और यहाँ से भी हम इसी तरीके से सिलाई करते हुए ऐसे चले जाएंगे, और कंधे पे सिलाई नहीं करनी और साइड में कमर पे। तो यहाँ इस तरीके से गोलाई करते हुए कंधे सिल लेते हैं पहले, इस तरीके से यहाँ से सिलाई लगाइए और यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगाइए। अगर आपको मशीन की सिलाई नहीं लगानी तो आप बखिया टांग कर लगा सकते हो, हाथ से सुई धागे की सहायता से इसको सिल सकते हो। ये देखिए ये डार्क शेड से इसलिए मैंने सिला है, मेरे पास था येलो शेड लेकिन मैंने नहीं सिला, क्योंकि आपको जिससे अच्छे से नजर आ जाए कि ये सिलाई हमने यहाँ से इस तरीके से की है और कंधे पर इस तरीके से की है। इसको कहते हैं एक पैर का बखिया, क्योंकि ये एक पैर जितनी दूरी पर हमने लगाया है। अब हम इन पीस को इस तरीके से यहाँ से खुला हमारा, इसको ऐसे हम जो है दोनों पीस को पलट देंगे और इसको प्रेस से थोड़ा ठीक कर लेंगे। जैसे ये फूला हुआ होता है इसको हम प्रेस से ठीक कर लेंगे, अच्छे से इन दोनों पीसेस को हम पलट लेते हैं। ये देखिए
देखिए हमने इस तरह से प्रेस कर दिया और इस तरह से हमने पलट दिए ये, तो दोनों एक तरफ हमारा येलो एक तरफ पिंक है, तो ये गोलाई वाली साइड है जो हमारी इस तरह से होगी, जैकेट हमारी ऐसे बनेगी। अब हमारे को ये पीछे का पीस जो है ये भी हमें सिलना है, तो ये हमने इसी तरीके से रखा हुआ है। अंदर की साइड जो है हमारा सीधी साइड है, इसको हमें क्या करना है, इस तरीके से दोनों पीसेस को ऐसे कर देने हैं, और ये पिंक वाली साइड हमें इस तरीके से पिंक वाली साइड रखना है। गोलाई हमारे सेंटर में आनी चाहिए, ये नहीं कि आप इस तरीके से सिल दो, ये हमारी साइड की सिलाई है यानी कि कमर वाली साइड, तो ये हमारी कमर वाली साइड आनी चाहिए। तो ये पीस हमारा येलो ऊपर यानी कि इस तरीके से पिंक के ऊपर पिंक रखेंगे हम, तो ये हमारा साइड की सिलाई है, तो हम इसको यहाँ रखेंगे यानी कि इस तरीके से, और इस पीस को हम इस तरीके से रखेंगे। तो ये देखिए ये वी शेप आ गया, हमारी गोलाई वाली साइड आ गई और दोनों कमर वाली साइड साइड में चली गई है। अब आप देखेंगे कि यहाँ से हमारी थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा लग रहा है, यहाँ से भी और यहाँ से भी और नीचे से भी, क्योंकि इसके अंदर तो हमने सिलाई कर ली है, अब हमारी इसके ऊपर सिलाई आएगी, तो हमें इन दोनों पीस को इसलिए बिल्कुल सेंटर में, देखिए बिल्कुल ऐसे कंधे के बिल्कुल बीच में दोनों तरफ हमारे सिलाई के लिए मार्जिन आना चाहिए, तो ये दोनों हम पीस इस तरीके से रख लेंगे और ये पीस हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। तो आप देखिए ये हमारा इस तरीके से बीच में पीस आ गए हैं, अब हमें सिलाई करनी है इस तरीके से, तो यहाँ से हम सिलाई करने शुरू करेंगे, इस जगह से यहाँ से ऐसे सिलाई करते हुए इस तरीके से हम घूमकर यहीं आ जाएंगे, और यहाँ पर हम 1 इंच की जो है बीच में सिलाई नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से हम इसको पलटेंगे। अब सिलाई कैसे करनी है, सिलाई करते टाइम ये देखिए हमारा यहाँ से फोल्ड है ये, क्योंकि हम पहले सिल चुके हैं, तो इसको नहीं दबाना, सिर्फ ये दोनों पीसेस हमारे दबेंगे, बीच में नहीं आएगी सिलाई। यहाँ से हम सिलाई जब ऐसे लगाएंगे तब हम इसको जो हमने सिलाई नहीं की थी इसको बीच में रख के यहीं से हम इस तरीके से सिलाई करेंगे, और यहाँ से हम ये देखिए यहाँ से हम पहले कंधे जोड़ चुके हैं अंदर वाले पीस के, उसको नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ इन दोनों पीसेस को सिलते हुए यहाँ पर हम अपना ये कंधा जो है दबाएंगे, फिर यहाँ से हम इस तरीके से घूमकर ऐसे आ जाएंगे। तो सिलाई करने से पहले हम इसे कच्चा कर लेंगे जिससे हमारी गलती ना हो। इस तरह से सुई धागे जो है अपना पहले धागा पिरो लेंगे। हम येलो के ऊपर पहले इस तरह से येलो रखेंगे जिससे कि आपको मैं पिंक कलर पे हमने येलो धागा पिरोया जिससे आपको अच्छे से दिख जाए। तो ये देखिए येलो के ऊपर हमने ये हमारी सीधी साइड है जैसे, तो ये हम इस तरीके से रख लेंगे। तो यहाँ पर हम पहले ऐसे देखिए यहाँ से हम इसको ऐसे सिल लेते हैं, ये बिल्कुल देखिए सेंटर में रखा है, दोनों तरफ हमारी सिलाई है, तो पहले हम यहाँ पर ऐसे कच्चा कर लेते हैं जिससे हमारा हिले नहीं सिलाई के टाइम पे। सिर्फ मैं आपको सिंगल इसलिए करके दिखा रही हूँ जिससे पता चले आपको कैसे सिलना है, और इसके ऊपर हम ये कपड़ा रखेंगे, तो मैं इसलिए सिंगल आपको इस तरह से सिल के दिखा रही हूँ। पहले हम यहाँ पर कच्चा कर लेंगे, कंधे हमने दोनों तरफ मार्जिन छोड़ के, क्योंकि हमारी सिलाई आएगी इस तरह से सेंटर में रखे, हमने दोनों कंधे जोड़ दिए हैं, और ये हमने एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि गोलाई हमारी ऐसे आनी चाहिए, वी शेप अंदर की तरफ आनी चाहिए। अब हम यहाँ पर भी इसी तरीके से जो है सिलाई कर देंगे, इधर भी कच्चा और इधर भी, जिससे कि हमारी पीस हिले नहीं। तो देखिए यहाँ से भी हमने देखिए दोनों तरफ हमारे मार्जिन अलग से दिख रहा है, तो यहाँ से भी हम, अगर हमारा यहाँ मार्जिन नहीं होगा तो ये हमारा दब जाएगा इसके साथ में, जबकि इसको हमें ऐसे खुला रखना है क्योंकि हमारा ये आगे वाला पीस है, इसलिए हमने पहले से इसको सिलाया। तो ये इस तरीके से देखिए दोनों तरफ हमारा मार्जिन है। अब हम यहाँ से भी इसी तरीके से मोटा मोटा कच्चा कर लेंगे क्योंकि ये बाद में हम उधेड़ देंगे, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए हमने यहाँ से कच्चा किया, यहाँ से ये मोटा मोटा कच्चा कर दिया हमने, ऐसे हमने इस पीस को जोड़ लिया है। अब इसके ऊपर हम ये अपना दूसरा पीस जो है पिंक कलर का, पिंक के ऊपर हम पिंक इस तरीके से रखेंगे, ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से रख देंगे, और सिलाई जैसे हमने यहाँ से कच्चा किया था जैसे इनको जोड़ रखा है, अब यहाँ से चाहे तो आप दोबारा कच्चा कर लीजिए, नहीं तो इस तरीके से हमने ये देखिए आप यहाँ से हमारा जुड़ा हुआ है,
यहाँ से सिलाई करते हुए पूरा इसको जोड़ लेंगे। तो ये भी हम कच्चा करके आपको दिखाते हैं पहले, जिससे आपको गलती ना हो। यहाँ पर इसी तरीके से हम दूसरा पीस रखते हैं। आप चाहे तो इसको बखे टांके से पक्का भी कर सकते हो। ये देखिए, हम यहाँ से ऐसे हमने कच्चा किया, क्योंकि हमारा पहले से हमने उसको जोड़ दिया, तो हमारा ऐसे गिरेगा नहीं, इसलिए हमने इसको पहले से जोड़ दिया। अब हम इस गले की तरफ आ जाएंगे। गले में ये जो हमारा मार्जिन था, ये देखिए यहाँ तक जो हमारे यहाँ तक कंधा आया है, तो ये इस हिस्से को हम इस तरीके से कच्चा कर लेंगे। गले के हिस्से को भी ये दोनों पीस बस हम जोड़ रहे हैं गले वाले। इस तरीके से कच्चा करते हुए हम दूसरे कंधे की तरफ आ जाएंगे। ये बाद में हम उधेड़ देंगे। देखिए यहाँ से हमने कच्चा किया। अगर मैं इस तरह से खोल के दिखाती हूँ तो ये देखिए सिर्फ दोनों पीसेस हमारे जुड़े हैं। इन्हीं दोनों पीसेस को हमें जोड़ने हैं, बस हमें यहाँ पर कंधा इसके साथ जोड़ना है, इसलिए हमने पहले से इसको जोड़ दिया है। अब यहाँ से भी हम इसी तरीके से कच्चा कर लेंगे। हम डायरेक्ट सिलाई भी मार सकते हैं, लेकिन ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए। अभी हम यहाँ आ गए हैं, ये देखिए यहाँ से कच्चा करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से हमने पहले से ही फोल्ड करके इसको कर रखा है, तो इसको नहीं छेड़ना। इसको सिर्फ इसको और पीछे ये दो पीसेस हमें जोड़ने हैं, बिल्कुल इसको हमें टच नहीं करना। यहाँ से हम बिल्कुल ऐसे, देखिए आप ऐसे फील करेंगे तो आपको मोटा अलग से बीच में दिखाई देगा, तो उसके ऊपर आपको सुई से नहीं सिलना है, इसलिए हमने यहाँ पर मार्जिन छोड़ रखा है। इसलिए यहाँ पर भी इसके लिए ऐसे हम सिलाई कर लेंगे और कच्चे के ऊपर ही हम अपनी मशीन की सिलाई लगाएंगे। अभी हमारे कंधे जुड़ गए। अब ये पीस हमने यहाँ पर जोड़ रखा है, तो इसको हमें साथ में ही जोड़ना है। ये देखिए यहाँ से कच्चा कर दिया। अब हम इस तरफ आ जाएंगे। यहाँ पर भी हमारे फोल्ड वाला पीस नहीं छेड़ना, हमने जो मार्जिन हमने छोड़ रखे दोनों पीसेस ऊपर के ही हमें सिलने इस तरीके से। तो ये मैं इतना सिल दिया है। अभी यहाँ से हमें 1 इंच नहीं सिलना, इसलिए हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो मैं आपको इस खोल के दिखा देती हूँ, क्योंकि हम सिलाई करेंगे जब हम एक सीधा इसको पलटेंगे ही, तो ये देखिए इस तरीके से हमारे पीसेस जुड़ेंगे। यहाँ से जुड़ेगा और ये हमारी, ये देखिए बाजू नहीं जुड़ी है यहाँ पर, और ये गला हमारा स्ट्रिपिक। तो इस तरीके से हम इसको सिल लेंगे, पहले कच्चा कर लेंगे जैसे मैंने अभी किया है। ऐसे ही हम यहाँ से साइड से सिल के यहाँ आ जाएंगे और यहाँ आ जाएंगे। तो इतने हिस्से में बस आपको सिलाई नहीं लगानी है, फिर हम इसको पलटेंगे। तो इस तरीके से हम सिलाई लगा लेते हैं। देखिए हमने सिलाई लगा ली, यहाँ से हमने शुरू करी सिलाई लगानी इस तरीके से। ये देखिए जोड़ते हुए गले की तरफ आए कंधे, फिर यहाँ से हमने जो कच्चा किया था इस तरह से लाके हमने यहाँ पर छोड़ दिया। तो बीच में आपको जगह दिख रही है जहाँ पर हमने सिलाई नहीं लगाई है, यहीं से हम अपने जैकेट को इस तरीके से पलटेंगे। देखिए आराम से निकल रही है। देखिए हमारे कंधे कितनी सुंदर, ये देखिए दोनों तरफ से पहनने के लिए जैकेट तैयार है कान्हा जी के लिए। इसको हम अच्छे से डेकोरेट करेंगे। ये देखिए ये बाजू निकल गई हमारी, यहाँ से दूसरी बाजू निकल गई है, और ये देखिए हमारी जैकेट कहीं से सिलाई नज़र नहीं आ रही है। इसको आप इस तरीके से पहनाइए कान्हा जी को, येलो चाहे आप इसको इस तरीके से, इसलिए हमने इसे दोनों तरफ से पहनाने वाली जैकेट बोला था। अब ये जो हमारे पास रह गया है, इसको हम इस तरीके से फोल्ड करके, ये देखिए अंदर की तरफ, यहाँ से हम तुरपाई कर देंगे या फिर सिलाई मार देंगे येलो कलर से, जिससे ये छुप जाए। इस तरीके से हम अंदर की तरफ से तुरपाई कर देंगे, या फिर ये देखिए जो हमारा खुला था या ऊपर से सेम कलर की हम, ये देखिए इसको ऐसे दबाएंगे और इस तरह से हम एक बार इधर से ऐसे लिया, देखिए एक बार इधर से थोड़ा सा लिया फिर इधर निकल गए इस तरह से हम, या फिर बारीक बारीक आप कच्चा लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने सिल दिया है। इतनी सुंदर हमारी दो कलर की कान्हा जी की जैकेट बनी है। ये देखिए आप पिंक कलर का इसको पहनाइए, चाहे इस तरीके से आप पलट कर,
येलो कलर का बनाइए, तो ये हमारी टू इन वन जैकेट बन गई है। इसके नीचे आप कान्हा जी को धोती पहना सकते हैं। आप कान्हा जी को फ्रॉक वाला डिजाइन है जो होता है, फ्रॉक वाला मतलब घेरे वाला जो हमारा नीचे से होता है वो पहना सकते हैं, तो आप इसको जैसे भी पहना सकते हो या ऊपर से किसी भी ड्रेस पे। तो ये हमारे कान्हा जी की देखिए कितनी सुंदर जैकेट है। इसको अब हमें डेकोरेशन करना है, तो आप इस पे सिप्पी सितारे मोती वोती कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन जैसे हमारी दोनों तरफ से पहनने वाली है तो आप कोशिश करें कि किनारे किनारे पे कोई डिज़ाइन हो, और यहाँ पर अगर कोई डिज़ाइन लगाना है तो थोड़ा सिंपल लगाइए जो दोनों तरफ से पहनने के लिए ठीक रहे। तो जाने के लिए ये देखिए फैब्रिक ग्लू इस्तेमाल करेंगे, या हम इस तरीके से गन ग्लू इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर हम इस तरीके से घोटा लगा सकते हैं, कोई स्टोन वगैरह चिपका सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए बड़े सॉफ्ट होते हैं, ये चुभते नहीं है, इसलिए इसको हम दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप बहुत मोटी चीज़ मत लगाइए जो चुभे। ये देखिए बिल्कुल इसमें कपड़े के साथ ही बिल्कुल ये बहुत पतला होता है, तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ भी आप इस पर घोटा वगैरह किरण वगैरह कुछ भी फूल पत्तियाँ आप जो भी आप चाहे इसको नग वगैरह लगा सके, मोती लगा के, लेकिन मोती भी ज़्यादा मोटे होते हैं, खाप मोती होते हैं चिपकाने वाले, वो आप इस पर लगा सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें मार्केट में मिलती है, आप इस पे यूज कर सकते हो। बारीक आप देख सकते हैं, इस देखिए नग हैं, देखिए कितने बारीक हैं। ये मैं आपको इतना क्लोज करके दिखा रही हूँ, जब आप देखिए कितना ये बहुत ही बारीक हैं जो हम इन पर लगाएंगे, ये बहुत सुंदर लगते हैं। तो इस तरीके के हम जो है ये लगा सकते हैं। देखिए इस तरफ से हम ये घोटा लगाना शुरू करेंगे। जैसे मैंने बताया आपको अगर इससे इजी रहता है गन से, तो आप गन इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो आप फैब्रिक ग्लू से इस तरीके से एक बारीक लाइन हम ऐसे खींचेंगे, ये देखिए, और इसके ऊपर हम इस तरीके से अपना घोटा लगा देंगे। ये हम दोनों तरफ लगा सकते हैं, देखिए ये मतलब कि तुरंत चिपक जाता है, इसलिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए इस तरीके से हम किनारे किनारे पर इसको चारों तरफ लगा देंगे। देखिए हमने इस तरीके से चारों तरफ अपना घोटा लगा दिया है। अब हम इस एक तरफ हम घोटा पट्टी का ही इसी तरीके से काम करेंगे, दूसरी तरफ हम जो है स्टोन लगाएंगे। इस तरीके से अपने घोटा पट्टी से ही छोटा सा फूल बनाया है, इसको आप चाहे तो दो तीन लगा सकते हैं, ज्यादा भरना है, नहीं तो इसको एक एक फूल को आप इस तरीके से सेंट यहाँ पर दोनों साइडों की तरफ ऐसे लगा के छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये हमारी दोनों तरफ से पहनने वाली है। और या फिर आप इस तरीके से किनारे किनारे पर दो तीन फूल लगा सकते हैं। तो ये बनाना बहुत आसान है, हमने इसी से घोटे से बनाया है। इसको हमने इस तरीके से उंगली पर फोल्ड करा है, ये देखिए ऐसे पकड़कर, एक दो तीन और ये चार, जब चार हो जाएगा तो हम यहाँ से इसको कैंची से काट देंगे और बिल्कुल इसको इस तरीके से निकाल देंगे बाहर उंगली से, ऐसे ही इसको रखेंगे और सेंटर से ये देखिए ऐसे सुई को डालेंगे और हम इसको इस तरीके से बीच में से पक्का करके यहाँ से हम अपना धागा काटा हमने, तो इस तरह से हमने पैक कर दिया इसको। अब ये हम बीच बीच में से ऐसे इसको निकालेंगे इस तरीके से, दोनों साइडों से निकाल लेंगे, जिससे ये हमारा फूल बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिए ऐसे सारी जो भी हमारी हमने चार किया था, चार ये देखिए एक दो तीन चार, तो इनको इस तरीके से हम फैला लेंगे निकाल के, ये हमारा फूल बनके इस तरह से तैयार हो जाएगा। इसे हम यहाँ पर ग्लू लगाएंगे, हल्का सा हमने लगाना है यहाँ पर ग्लू, और इसको इसके ऊपर इस तरह से चिपका देना है। फ्लावर कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसको भर देंगे तो ये इतना सुंदर नहीं लगेगा। इस तरीके से हमने हल्का वर्क किया है। अब इस तरफ हम दूसरी तरफ अपने इस तरह से व्हाइट वाले, इधर हमने गोल्डन किया तो इधर हम ये व्हाइट वाले स्टोन लगाएंगे। बिल्कुल ये देखिए कितने बारीक है।
से यहाँ से फोल्ड कर देंगे। पीछे भी अगर आपको कुछ करना है पीछे भी कर सकते हैं, और नहीं तो आगे आगे की तरफ हम ये स्टोन लगाएंगे। तो इसमें हमें बहुत डिज़ाइन नहीं करना, अलग अलग दूरी दूरी पर हम इसको भर देंगे, क्योंकि ये हमारा कलर ऐसा है इसके ऊपर ये ज़्यादा सुंदर लगेंगे। देखिए इस तरीके से पास पास में जैसे मुकेश होता है हम ऐसे इसको लगा देंगे। तो इसके लिए हम गन ग्लू इस्तेमाल करेंगे, फेवरी ग्लू, जिससे हम बिंदी बिंदी लगा देंगे इसकी ग्लू की, और उसके ऊपर हम स्टोन को रख देंगे। इस तरह से हमारी ग्लू ऐसे बिल्कुल बारीक बारीक दूर दूर आप लगा, यहाँ से शुरू कीजिए, चाहे तो आप कहीं से भी इस तरह से हल्का हल्का सा आपको, ये देखिए अब हमारा ज़्यादा निकल गया है शुरू में जैसे। अब इस स्टिक से हम ये देखिए बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल बारीक बारीक हम डॉट डाल रहे हैं, क्योंकि ये दिखती नहीं है सूखने पर भी, इसका ये फायदा है। इसलिए हम इसको ज़्यादा भी लगा देंगे जब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहीं से हमारी जो निकल गई थी इसी से हमने थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरीके से ग्लू लगा दिया है, और इसके ऊपर हम अपने जो हैं छोटे छोटे स्टोन, ये बहुत बारीक है, ये देखिए मैं इधर रख के दिखाया आपको, इसको हम इस तरीके से चिमटी की सहायता से पकड़कर ऐसे चिपका देंगे और इसको ऐसे दबा देंगे। तो ये थोड़ा सा ऐसे लिया ऐसे हमने, ये देखिए इसको सूखने के लिए रख देंगे। इस तरह से हम पूरी जैकेट पे अपना, तो देखिए कितने सुंदर लगेंगे जब, ये देखिए जैकेट बनके तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं ये हमारी एक साइड में हमने इस तरीके से हल्का वर्क किया है, जिसे हमें मुकेश की तरह ये काम किया है। तो ये हमारे जो सितारे हमने लगाए हैं देखिए कैसे रिमझिम रिमझिम कर रहे हैं, तो कितनी सुंदर ये सिंपल जैकेट बनी है। और इधर से हमने ये घोटा पट्टी के छोटे छोटे फूल लगा दिए हैं, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ दोनों तरफ से पहनने वाली, हम बहुत ज़्यादा इसमें वर्क नहीं करेंगे, नहीं तो ये कान्हा जी को पहनने से चुभेगी। तो इस तरीके से हमने ये जैकेट बनाई है। अगर ये जैकेट आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए जिसमें हम कान्हा जी की जो है जैकेट बनके तैयार हो गई है, कितनी सिंपल और सुंदर बनी है। ये देखिए अंदर से हमारे जो सितारे हैं कैसे रिमझिम रिमझिम कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने इसमें वाइट जो है स्टोन लगाए हैं, और इधर से हमारा गोल्डन जो है ये फूल घोटा पट्टी के हमने लगाए हैं। तो इस तरह से हमारी कान्हा जी की जैकेट बनके तैयार हो गई है। उम्मीद है आपको ये जैकेट पसंद आई होगी। अगर आपको ये जैकेट पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और इसकी अगली वीडियो में मैं आपको कान्हा जी की धोती बनाना सिखाऊंगी। अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, आपकी कोई वीडियो मिस ना हो जाए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको इस तरह की कान्हा जी की अच्छी अच्छी गर्मियों की ड्रेस देखने को मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।